पद्मावती का विवाद अभी थमा भी नहीं कि मणि कर्णिका फिल्म पर विवाद होने लगा है। इस बार ब्राह्मण समाज इस विवाद में कूद पड़ा है। ये उस मणिकर्णिका फिल्म की तस्वीर है जिसकी कहानी को लेकर ब्राह्मण सभा ने एतराज जताया है। कंगना रनौत इस फिल्म में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल निभा रही हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में ये बवाल का विषय नहीं बने, इसलिए राजस्थान की सरकार से फिर मांग करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में कोताही नहीं बरते, इस फिल्म का फिल्मांकन तुरंत प्रभाव से रोका जाए और सरकार जाकर के बाकायदा इनसे एफिडेविट ले कि इस फिल्म के अंदर किसी प्रकार से ऐसे तत्वों छेड़छाड़ नहीं होगी। अभी पद्मावत का विवाद थमा भी नहीं है कि ये नया विवाद शुरू हो गया। राजस्थान के विधायक कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की इजाजत नहीं मिल सकती। ये बहुत संवेदनशील मामला है और अगर रानी लक्ष्मीबाई का कहीं पिक्चर में प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड उस आपत्तिजनक दृश्य को काट दे, क्योंकि फिर कहीं राजस्थान में लोग इस बात को लेकर, इस प्रसंग को लेकर कहीं उद्वेलित नहीं हो। राजस्थान के कई शहरों में इस फिल्म की शूटिंग हुई है, इसलिए राजस्थान से ही इस विवाद की शुरुआत हुई है। राजस्थान में 7% ब्राह्मण है। राजपूत समाज पहले से ही पद्मावत को लेकर बीजेपी से नाराज है। अजमेर में ब्राह्मण और राजपूत दोनों समाज ने कांग्रेस को वोट किया था। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी यही परेशानी होगी कि पहले से नाराज राजपूत के साथ अगर ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया तो फिर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं राजस्थान में, मुश्किलें बीजेपी के लिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।